मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीजीटी का आंसर की जारी हो चुका है, पीजीटी हिस्ट्री का भी आंसर की जारी हो चुका है, और हिस्ट्री के आंसर की जो जारी हुआ है उसमें 4 या 5 प्रश्न मैंने सिलेक्ट किया हो किया हूं जिसमें जो ऑब्जेक्शन करने लायक है। आप भी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन कौन से प्रश्न ऑब्जेक्शन करने लायक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबके 8 या 10 प्रश्न पहले किसी के प्रश्न कुछ और थे और अब किसी के प्रश्न और अब कुछ और हैं, मतलब सबके 8 से 10 प्रश्न सबके डाउन हुए हैं, 8 से 10 प्रश्न सबके कमेंट सबके 8 से 10 प्रश्न आपके कम हुए हैं, मतलब पहले आंसर की इसीलिए मैं कह रहा था कि आंसर की आने देंगे उसके बाद मैं एक्सेप्टेड कट ऑफ बताऊंगा। हालांकि 4 से 5 प्रश्नों को मैं सिलेक्ट किया हूं, आपके अनुसार कितने प्रश्न अगर ऑब्जेक्शन करने लायक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और सबसे बड़ी चीज आप लोग यह बताइएगा, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा कि इस आंसर की के अनुसार आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करिएगा। 2 प्रश्न आपके डिलीट हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री सब्जेक्ट में 2 प्रश्न आपके डिलीट हैं, तो डिलीट हो गए हैं, तो पहले जो 120 का पूर्णांक था अब वह 118 का हो गया है, ठीक है। तो आप लोग जब प्रश्नों को काउंट करिएगा तो आप जनरल अवेयरनेस को काउंट करिएगा, मतलब जीके को काउंट करिएगा और हिस्ट्री को काउंट करिएगा। कुछ लोग तो लैंग्वेज को भी काउंट करके बता रहे हैं, एक लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ था कि 110 प्रश्न हमारा सही है, ठीक है, वो फीमेल थी, उन्होंने बताया था 110 प्रश्न सही है, शायद लैंग्वेज को काउंट कर लिया होगा। अरे यार लैंग्वेज को भी काउंट करेगा तो इतना कहां से हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। आप इस अगर यह सही है तो बिल्कुल यह स्थिति बहुत खराब है, अगर 110 है तो सबसे पहले तो यह बधाई की बात है कि 110 है, और यह चिंता की भी बात है उन लोगों के लिए कि अब मेरिट कहां जाएगी और इसके पीछे क्या रीजन है, 110 के पीछे क्या, मैं नहीं कुछ कह सकता हूं। लेकिन फिलहाल आप लोग कमेंट करिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्या आपके भी 110 15 हैं, 84 85 हैं, 80 90 हैं, 58 67 हैं, 72 हैं, 74 हैं, जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि सही जानकारी मिल सके, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद आप लोग को, और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करिए और ईमानदारी के साथ बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ताकि एक एक्सेप्टेड कट ऑफ मैं बताने का प्रयास करूं। हालांकि देखिए मैं बोल रहा हूँ, मोटी मोटा बोल रहा हूँ कि किसी के प्रश्न कुछ सही हो रहे थे लेकिन अब आयोग के आंसर की के अनुसार 8 से 10 प्रश्न सबके 7 8 10 ऐसे 7 से 10 प्रश्न या 12 प्रश्न सबके आपके मिनिमम 7 प्रश्न और अधिकतम मैक्सिमम 10 से 12 प्रश्न आपके सबके डाउन हुए हैं, ठीक है मित्रों। धन्यवाद आप लोग को, और मैंने ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न आप लोग को रिपीट करा दिए हैं, आप लोग भी अपने अनुसार देख लीजिएगा। सभी लोग कमेंट करिए कितने